दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह गार्डनिंग के शौकीन हैं, जैसे मैं टेरेस गार्डनिंग करता हूँ, अगर आप भी, कई लोग आप में से किचन गार्डनिंग करते होंगे, टेरेस गार्डनिंग करते होंगे, तो आप नींबू का पौधा लगाया होगा। हम नींबू का पौधा नर्सरी से लाते हैं सोच के कि उसमें बहुत सारे फल लगेंगे और हम उनको हार्वेस्ट करेंगे। लेकिन होता क्या है, कई लोगों की क्वेरीज होती है कि हमारे नींबू के पौधे में फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहे हैं, या फूल आ रहे हैं तो वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं होकर झड़ जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो फूल गिरने के जो कारण होते हैं, और उन कारणों से बचने के लिए, हम जो फूल गिर जाते हैं उन कारणों से बचने के लिए हम क्या तकनीक अपनाएं जिससे कि हमारे जो फूल हैं सब फल में कन्वर्ट हो और हमें अच्छे फल प्राप्त हों। तो आज मैं आपको पूरी विधि बताऊंगा जिसकी वजह से फूल जो है आपके गिर जाते हैं, वो गिरेंगे नहीं। तो आप वीडियो में बने रहिए, और जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर करना जरूरी है क्योंकि कई लोगों की जो क्वेरीज होती है कि नींबू के पौधे के फूल गिर जाते हैं या फल नहीं बनते हैं, तो उनको शेयर जरूर करें। सबसे पहले तो नींबू का पौधा अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं तो ऐसा पौधा लाइए जो ग्राफ्टेड पौधा हो, क्योंकि आप अगर बीज वाला पौधा, बीज के थ्रू जो ग्रो होता है वाला पौधा लाएंगे तो उसको जो फल देने में जो टाइम होता है वो 5 साल कम से कम लग जाते हैं, और 5 साल आप वेट करने से अच्छा जो ग्राफ्टेड पौधा है वो लाएंगे तो आपके पौधे में 1-1.5 साल के अंदर ही फल आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, जो मैंने ये पौधा लगाया है, ये 12 मासी नींबू का पौधा है और इसमें मुझे हमेशा जो है नींबू मिलते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जो सर्दियां होती हैं उस समय 1-2 महीने जो इसमें नींबू नहीं आते हैं, लेकिन इसमें हमेशा जो है नींबू बनते रहते हैं, नींबू के फल बनते रहते हैं इसमें। तो आप 12 मासी वाला नींबू का पौधा लाएंगे तो आप फायदे में रहेंगे। और एक कारण और है जो मैं आपको बताऊंगा कि नींबू के पौधे में जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं। आप नींबू का पौधा जब लगाते हैं तो सबसे पहले उसको देखिए, आप पॉट का जो चयन करते हैं, पॉट उसमें होना चाहिए कम से कम 14 इंच का, जो गमला है या आप ग्रो बैग है किसी में भी लगाते हैं तो उसमें 14 इंच का पॉट होना जरूरी है। छोटा गमला होगा तो उसमें जो फूल तो आएंगे लेकिन वो फल नहीं बन पाएंगे, आप ज्यादा फल नहीं ले सकते उससे। तो आप उसको 14 इंच के ग्रो बैग में या आप गमले में लगाएं। उसके बाद उसको आप जो मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी में आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मिट्टी में आप जो गार्डन सॉइल है वो लीजिए। गार्डन सॉइल में आप 40% गार्डन सॉइल लीजिए, उसमें 30% जो है काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट आप कुछ भी डाल सकते हैं जो इसमें मिट्टी बनाते हैं। मिट्टी जो में होती है इसके लिए मेन होती है, तो आप उसमें 40% गार्डन सॉइल और 30% जो है कंपोस्ट मिलाइए, और उसके साथ साथ मिट्टी जो है वेल ड्रेन बनाने के लिए आप उसमें, ये देखिए जो मैं राइस हस्क यूज करता हूँ, राइस हस्क का भी यूज करिए। राइस हस्क भी आप 30% मिला दीजिए तो आपका जो है सॉइल मिक्सचर बहुत बढ़िया बनेगा। राइस हस्क 30% मिलाएंगे, इस तरीके से आप मिला देंगे पूरा, और जो मिट्टी बनाएंगे इसकी वो बहुत वेल ड्रेन बनेगी। तो इस प्रकार की मिट्टी में लगाइए कभी भी आप नर्सरी से पौधा लाते हैं। ये समय अच्छा है, आप नर्सरी से अगर पौधा लाना चाहते हैं तो इस समय आप नर्सरी से पौधा लाइए, 1-1.5 साल के अंदर उसमें आप फल ले सकेंगे। अगर आपने नींबू का पौधा अगर पहले से लगाया हुआ है तो आप उसमें काउडंग कंपोस्ट मिलाते रहेंगे। काउडंग कंपोस्ट जो होती है फुली डिकम्पोज्ड होनी चाहिए, अगर आपकी फुली डिकम्पोज्ड काउडंग कंपोस्ट नहीं है तो उससे भी जो है नींबू के पौधे में फंगस लग सकता है। तो आप नींबू के पौधे को ऐसी मिट्टी में लगाइए जो मैंने बताई है आपको। इस प्रकार की मिट्टी में मैंने देखिए ये पौधा लगाया हुआ है, और इसकी मिट्टी देखिए कितनी वेल ड्रेन्ड है। ये देखिए मिट्टी जो मैंने बना रखी है इसकी, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी में रहेगी तो आपकी जो पौधे की जो जड़ें हैं उनको विकास अच्छा होगा, उनको फैलने के लिए जगह भी मिलेगी और उनमें पोषण भी उसको भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो इस प्रकार की मिट्टी में लगाइए। और एक कारण और होता है जो इसके फूल गिर जाते हैं, आप अगर धूप में नहीं लगाया आपका पौधा तो इसको धूप में जरूर रखें। अगर ये फल वाले पौधे हैं, इनको अगर आप पूरे दिन की धूप में रखेंगे तभी इसमें से अच्छी फ्रूटिंग आप ले पाएंगे, क्योंकि धूप नहीं मिलने की वजह से जो फूल होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाता है पौधा तो वो अपने फूल गिरा देता है। तो अगर आपको फूल जो है फल में कन्वर्ट करने हैं तो आप इसको पूरे दिन की धूप में जरूर रखें। अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा जिससे कि आपके पौधे के जितने फूल लगे हैं वो गिरेंगे नहीं। एक कारण इसका एक ये रहता है फूल गिरने का, जो मेन कारण रहता है,
अगर आपने अच्छे से इसकी केयर करी, अच्छे से कंपोस्ट वगैरह इसको दे रखी, तब भी आपके पौधे के जो फूल गिर रहे हैं, तो उसका जो मेन कारण रहता है इसमें पॉलिनेशन न होना। आपके अगर गार्डन में फूल वाले पौधे नहीं लगे हैं तो उससे पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अगर आपने खाली नींबू का पौधा या फल वाले पौधे लगा रखे हैं तो उससे पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप अपने गार्डन में फूल वाले पौधे जरूर लगाएं। ये देखिए, मैंने कुछ अपने गार्डन में फूल वाले पौधे भी लगाए हैं। इससे क्या होता है, जो मधुमक्खियाँ, हनी बी और जितने भी पॉलिनेशन करने वाले जितने भी कीट होते हैं वो आपके गार्डन में आते रहेंगे, जिससे कि आपके पौधों में पॉलिनेशन जरूर होगा। तो आप फूल वाले पौधे भी जरूर लगाएं, चाहे आप कम मात्रा में लगाएं लेकिन फूल वाले पौधे जरूर लगाएं, तो उससे भी पॉलिनेशन होता है। अगर आपके पौधे में जो है फिर भी फूल गिर रहे हैं, आपने फूल वाले पौधे भी लगाए हैं, तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ जिससे कि आपके पौधे की जो फूल है वो सब फल में कन्वर्ट होंगे। ये देखिए, जो मैं इसमें यूज करता हूँ, ये चीज है। ये चीज क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए और लाइक भी जरूर करते हैं। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों। ये चीज जो है आपको घर पे ही मिल जाएगी, घर पे ही आप आसानी से बना सकते हैं इस चीज को। इस चीज के प्रयोग से जो है मेरे पौधे में देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। ये इसको मैं हर पौधे में अपने यूज करता हूँ, चाहे वो फल वाले हों चाहे फूल वाले हों। वेजिटेबल्स के जितने पौधे लगाए होते हैं वो वाले पौधे हों, उनमें सब मैं यूज करता हूँ। और इस चीज को बनाना बहुत आसान है, मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ इसको किस तरीके से बनाया जाता है। ये चीज जो होती है ये बायो एंजाइम होता है। बायो एंजाइम कई प्रकार से बनता है, आप फूलों का भी बना सकते हैं, फल जो होते हैं फलों के छिलके जो होते हैं उनका भी बना सकते हैं, या कोई आप जैसे प्याज या लहसुन खाते हैं तो उनके जो छिलके होते हैं उनका भी बायो एंजाइम बन सकता है। बायो एंजाइम पौधों के लिए बहुत अच्छी टॉनिक है। जैसे हम लोग बीमार होते हैं या कुछ होते हैं तो उसमें जो है टॉनिक का यूज करते हैं बीमार होने में, या कोई अपने वेट बढ़ाता है वेट लॉस करता है तो उसमें भी आप टॉनिक या प्रोटीन वगैरह लेते हैं। उसी प्रकार से ये पौधों का प्रोटीन है समझ लीजिए। अगर आप इसको पौधों में देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होगी होगी, साथ में उसमें जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग लेते हैं वो भी अच्छी होगी। तो इस चीज को बनाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है गेंदे के जो फूल होते हैं, गेंदे के फूलों को आप जो फेंक देते हैं उनको आप स्टोर करके रखिए इस प्रकार से, जैसे मैंने मंदिर में चढ़ाए थे। उसके बाद आप इसको स्टोर करके रखिए, जितने गेंदे के फूल होते हैं आप उनको स्टोर करके रख के आप इस प्रकार से देखिए, एक बोतल लेंगे प्लास्टिक की कोई भी बोतल लीजिए जिसमें नीचे से जो उसका तला हो फ्लैट हो, फ्लैट तला होना जरूरी है। बोतल में आप गेंदे के फूल डाल दीजिए। गेंदे के फूल कितने डालने हैं देखिए, मैंने आपने बना के रख रखा, आप जो एक बोतल की जो 1/4 हिस्सा है उसमें आप गेंदे के फूल डाल दीजिए, सूखे हुए जो फूल होते हैं जैसे आपने तोड़े हैं उस प्रकार से। उसको तोड़ के जब आप मंदिर से ले आते हैं या कहीं से भी आप लाते हैं तो उसको गेंदे के फूलों को आप 1/4 हिस्सा गेंदे के फूल डालिए। ये बायो एंजाइम बनाने के लिए आपको गेंदे के फूल इसलिए यूज कर रहा हूँ, गेंदे के फूल में जो होता है फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, जिससे कि हनी बी या जो तितलियां वगैरह होती हैं जो पॉलिनेशन कीट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ गेंदे के जो फूल होते हैं। उसके अलावा आपने इसमें एक गुड़ की मात्रा डालनी है। गुड़ कितना डालना है आपने, गुड़ थोड़ी सी मात्रा लेनी है, लगभग लगभग आपने 20 से 25 ग्राम गुड़ लेना है। वो गुड़ भी इसमें चूरा तोड़ के गुड़ को तोड़ के आप इसमें डाल दीजिए और ऊपर से उसमें पानी डाल दीजिए। पानी इसमें केवल हाफ जो होता है इतना ही भरना है जैसे मैंने भर रखा, तो और इसको आप हिलाते रहेंगे इस प्रकार से। जैसे आपने गुड़ और गेंदे के जो फूल होते हैं, गुड़ और जो है गेंदे के जो फूल होते हैं आपने वो डाल दिए, उसके बाद उसमें पानी डाल के आप इसको इस प्रकार से हिला देंगे। हिलाने से क्या होगा, इसमें जो है वो गुड़ वगैरह घुल जाएगा, गुड़ और जो पानी है उसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कोई छाया वाली जगह में रख दीजिए, छाया वाली जगह में रखेंगे और उसके साथ साथ इसको बीच बीच में आप इस तरीके से हिलाते रहेंगे। इसको हिलाने से क्या होगा, इसमें गैस बनेगी। कभी भी आप जब इसको हिलाएंगे उसके बाद इसमें जो गैस बनती है उसको आप इस तरीके से लीक कर देंगे। गैस जो निकलेगी इससे, अगर इसमें गैस इसमें बने रहेगी तो आपकी बोतल ब्लास्ट भी हो सकती है। तो इसलिए इसको आप बीच बीच में हिलाते रहेंगे और उसमें जो गैस है उसको रिलीज करते रहेंगे, इस तरीके से गैस को रिलीज कर देंगे। और इसके लिए मैं
फ्लैट वाली बोतल इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इसमें गैस बनेगी, अगर फ्लैट बोतल नहीं होगी तो उसमें क्या होगा, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगी, डिसबैलेंस होगी तो आपकी कहीं गिर भी सकता है, तो इसलिए आप फ्लैट बोतल लीजिए और इसको 6 महीने के लिए आप कोई छाए वाली जगहों में रख दीजिए, तो आपका ये जो बायो एंजाइम है ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से छान लेना है। ये देखिए जैसे मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से छानना है और कैसा इसका जो मिश्रण आता है, ये देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। ये आपने पूरा इसको ऐसे ही यूज नहीं करना है, इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर देंगे आप, क्योंकि ये बहुत देखिए कितना गाढ़ा जो है बन गया है बायो एंजाइम, कितना गाढ़ा है देखिए। इसमें आप जो मिश्रण जो यूज करेंगे उसमें आप पानी ले लीजिए, 1 लीटर पानी ले लीजिए और कम से कम ये दो ढक्कन ये यूज करिए 1 लीटर पानी में। मैंने इसमें पानी भर के रखा है स्प्रेयर बोतल में, आप ये 2 ढक्कन ये डाल दीजिए, देखिए कितना गाढ़ा पदार्थ बन रखा। आप 2 ढक्कन ये डालेंगे, उसके बाद इसको हल्के से हिला लेंगे, हल्का ये मिक्स हो जाएगा। और अपने पौधों में किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बताता हूँ पूरा, तो आप अपने पौधों में इसका इस तरीके से छिड़काव कर दीजिए। ये एक बहुत बढ़िया बायो एंजाइम है आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, आप इसका यूज करेंगे तो आपके पौधे में जो है पॉलिनेशन भी स्टार्ट होगा और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इस तरीके से आप पूरे जहां फूल लगे हैं उसमें भी इसका छिड़काव कर सकते हैं पूरा इलाके। ये मैं बायो एंजाइम अपने पौधों में देते रहता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप इसको छिड़केंगे तो उससे क्या होगा, ये जो पत्तों में जो इसका जो मिश्रण जाएगा, पत्ते उसको एब्जॉर्ब करके पौधे के लिए भोजन तैयार करेंगे और इसमें पॉलिनेशन भी होगा, इससे जो इसमें स्मेल आती है उससे हनी भी अट्रैक्ट होती है, तो हनी भी आएंगी तो आपके पौधे में पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये तरीका जो है आप एक बार आजमा कर देखिए और अगर आपको इससे बेनिफिट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इसको आगे शेयर भी करें। धन्यवाद।